पहले विरोध आज करते हैं कि सतपुरुष के एक ही है, जो मुक्ति का दाता है वो एक ही है, खुद चौथे लोक में रहता है, त्रिलोक की तक काल का दायरा है। दूसरा देखते हैं सुन हृदय सतपुरुष है जाने, सतपुरुष सतपुरुष को जाने कहाँ है। चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वास, त्रिलोकी तक काल का दायरा है। हम बाग में जाते हैं, वहां बोलते हैं जिस दिन घोपड़ा सिरे तीन लोक और चौदह भवन उस घोपड़ का राज, त्रिलोकी तक उसका राज है, वो सतपुरुष चौथे लोक में रहता है। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द जैसे प्राइम मिनिस्टर बोले तो एक मिनट में आवाज आ जाएगी, सब अफसर काम करने लग जाएंगे। वो तो वहां बैठा है, उसका रूप क्या हुआ? यहाँ शब्द आवाज हुक्म कह लो, इसी तरह सतपुरुष की आवाज कहो, शब्द कहो, नाम कहो, जिसने बढ़ता है उसमें कलमा कहते हैं, फलामे नाम कहते हैं, उस आवाज में सारी रचना की है। शब्द धरती शब्द का शब्द शब्द का दूसरा रूप क्या हुआ? शब्द हुआ, गुरु का लफ्ज धरती से निकला जिसका मतलब शब्द। वो शब्द रूप में सब जगह व्यापक है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ना हो, जर्रे जर्रे में है, सबके अंदर है, सबके अंदर होता हुआ। हम चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, जिनाकारियां करते हैं और गुनाह करते हैं, नरकों में जाते हैं, चुरासी भोगते हैं, कुछ लोग गधे घोड़े बांधते हैं, लेकिन वो किसी कुछ नहीं करता, टंक है, टंक बैठा अपने हाथ में। लेकिन जब वो मैं समझाना चाहता है, पापों से हटाना चाहता है, चौरासी मकाना चाहता है, नरकों से बचाना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, तो क्या करता है? आदमी को तोड़ना चाहता है, साधु अपना तन धारे। हम लोग पढ़ता बड़ा व्यक्ति अपने संतहा है, हमारा पढ़ता बड़ा व्यक्ति अपने संतहा है, यही स्मार्ट टीवी लिखा है। हाँ बादशाह आजम दरबस तबूत मुहकम होशी तदरते आदम यानी कि बरदराम, कि वो बादशाहों का पाशा दरवाजे बंद करके बैठा है और आप ही आदमी चोला पहन के दरवाजा खोलने के लिए आता है। वो सतगुरु तो कह है, निराला है, लेकिन हमें समझाने के लिए उसको इंसानी जमा पहनना पड़ता है। ऐसे वो हमारे साथ कैसे बोल सकता है? रब जी वैसे साथ की रचना ये मुसलमान की कहते हैं, गुफ्ता हो गुफ्ता अल्लाह बहुत, उसका कहा अल्लाह का है, उसका कहा अल्लाह का कहा है, लेकिन वो हमारी तरह बंधनों में है। हम जिस्मानी बंधनों में हैं, वो आजाद है। जो संत मध्य दरगाह से आते हैं उसका हुक्म लेकर आते हैं, या जिस चोले में वो आता है, वो हमारी तरह जिस्मानी बंधन में नहीं, जब मर्जी उसमें आ जाए, जब मर्जी चला जाए। कभी ने लिखा है, जन्म मन दो में नाही, जन पर कर आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर से लाइन मिलाए।
जन मन दो में नहीं, जन परोपकारी आए हैं, जिया दान दे भक्ति लाइन हर्ष लाइन मिलाए, वो जन मन से परे हैं। चलो तो हमारे समझाने के लिए है, ये विषय में लिखा है, मोहे न व्यापे जग की माया, क्या बात है, मोहे न व्यापे जग की माया, कैन सुन की है एक काया, दे नहीं और तरसे दे ही, प्रभु सदा जहां पुष्प दे, मैं तो माल की दुआ में रहता हूं, अगर वो ना आए हम जा नहीं सकते। क्या कहते हैं जब वो इस इंसानी जामे में आता है, क्या कहता है कि सारी दुनिया अंधी है, किसी को होश नहीं, सब उल्टे रास्ते जा रही है, हम कह अंधे नहीं, हम तो देखते हैं, हम तो देख रहे हैं, हम सब मानते हैं, अंधे नाथियन जिन मुख लोय नायन, ए अंधे नहीं, अंधे से ही नान का हंसने उठे जाए, जो माल को नहीं देख सकते वो अंधे हैं, ये आंखें पनाह हैं, पनाह चीजों को देखती हैं, वो भी प्राय आश्रय, अब हम सूरज के आश्रय देख रहे हैं, रात को चांद सितारों के आश्रय, बिजली के आश्रय, लैंप के आश्रय, अगर ये ना हो तो हम देख नहीं सकते, या मन बुद्धि से ज्ञान से टोटो कर चलते हैं, कभी किसी खटे में गिरते हैं, कभी किसी खटे में गिरते हैं, जैसे अंधा सोटी के आश्रय चलता है, हम भी इनके आश्रय चलते हैं, जहां वो सोटी ना हो वो बैठ जाएगा, इसी तरह अगर हमें लाइट ना हो तो हम भी बैठ जाते हैं, ये प्राय आश्रय हैं, लेकिन जो मालिक को देखने वाली आंख है वो और है, वो कहता है तो जो जो अंधा फिर रहा है, रोसी में धक्के खा रहा है, देख लो अंधे हुए ना, बड़े बड़े जप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, कुंद किए, दान किए, बड़े बड़े कर्म धर्म किए, छुटकारा तो ना हुआ, फिर अंधे हुए, सोचो सही रास्ता ना मिला, वो आकर कहता है क्या जीव तुझु को जो अंधा फिर रहा है, चौरासी भोग रहा है, मल करा खोजता है, सुख करा खोजता है, वो रात तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हारे अंदर है, जिनकी पूजा करता है, ब्रह्मा शिव विष्णु राम कृष्ण, वो सब तुम्हारे अंदर है, वो सच्चा मालिक सच्चा सदगुरु वो भी तुम्हारे अंदर है, जो मुक्ति का दाता है, लेकिन उसको देखने वाली आंख और है, नानक सेखने बयान जिन्हें जसिंदो माफरी, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, वो बंद पड़ी है, अब ये खुल जाए, इसके अंदर रोशनी हो जाए, सब ज्ञान हो जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण सदगुरु सब इसके अंदर दिखाई देने लग जाए, सब माते हैं, अब तो अंधा धंधा नारा कोई जानने का जान हारा, यागट पितर बाण और बस्ती यही नहीं झाट पा रहा, यागट पितर बाग बगीचा यही में सिंचनारा, इतना बड़ा खेल है, यागट पितर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, यागट भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ करनारा, यागट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, यागट भीतर आए लेता राम कृष्ण अवतारा, सोच लो कहें सुनो अब तो यही में गुरु हमारा भी मुक्ति वाला गुरु भी इसके अंदर है, इसका अंदर सब कुछ वसे खंड मंडल पाताला, इसका जब जीवन दाता बसे सबना कृपित पाला, इसका अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटना जारा, इसका अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब उत्तर जो संसारा, सच्ची आप खेल जाए आपका गम सारा, खेल ही मात ने आप ही डाला है, आप ही निकालने के लिए आता है, सब कुछ इसके अंदर है, यही नशा निशाया करते थे, दीवारों पे लिखाया क्या कि बाहर वाले गुरु देखे अंदर वाला भी देख, बाहर वाले अमृत पिए अंदर वाले पी, सोच लो बाहर वाले तीर्थों पे ना है अंदर वाले में भी ना, सब कुछ इसके अंदर है, माते हैं क्या क्या जी जुग जुग से अंधा फिर रहा है, सुख करा खोज रहा है, शांति करा खोज रहा है, मालिक करा खोज रहा है, वो रात तुम्हारे अंदर है, चल अंदर तुम्हारी आंख बंद है, वो यही नहीं कहते बंद है, उसके लिए खोलने के लिए वो नाम का सुरमा भी देते हैं, हमारे आंखों पे ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं, इसको निकालने के लिए वो सुरमा बताते हैं, इन पर्दों को उठाने के लिए सिमरन से बढ़कर कोई चीज नहीं, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय समाए, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं, जो फकीरों वाला सिमरन है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं, जो पर्दे उठाए, अनेकों पर्दे पड़े हैं,
यही विष्णु आरती में लिखा है ए मालिक के ऊपर तो कोई पर्दा नहीं, मालिक के ऊपर कोई पर्दा नहीं, तुम्हारी ख्यालों का पर्दा ही पड़ा हुआ है, इसको उठा दे। मालिक दूर नहीं, जितने कीड़ा है सबने ये किया कि तू सिमरन कर, सिमरन करके देख खाली हो, ख्याल पीछे इकट्ठा कर, वो यहां तीसरी आंख अब खुल जाएगी। ये जो आंख है, दो आंखें हैं, इनके पीछे वो तीसरी आंख खुलती है। विशाल लिखते हैं आंख कान बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल, ये दोनों आंखों के दरमियान तिल है, दोनों तिल एक तार में लाओ, तब देखो गुजारा है। एक जगह है जहां इनको शक्ति मिलती है बाहर देखने की, हम बाहरी बार देखें, इसको अंदर समेटो, अगर वो खुल जाए तुम्हारे अंदर रोशनी हो जाए। यही कुछ साहब ने लिखा, पुतली में तिल है, तिल में राजपुर का कुल, इस पर्दा से आके जरा पार देखना, अंदर चल, सब फिक्रों की ही है, सब कुछ करने बाहर ना ही, बाहर टोले से ऊपर निकलाएं, तो नाम का सुना देते हैं कि पा ये ख्याल निकाल, हमने नाम लिया, सुर में पड़ने कोशिश नहीं की, छोड़ दिया, ख्याल ही नहीं करते सुन उनका। गुना सब सुनाते हैं कहो नानक इस तत्व विचारा, क्या बिन हर पद नहीं छुटकारा, कोई छुटकारा नहीं। शमशेर कहता बात ना छोड़ो, मरुण रूम ने कहा बात ना छोड़ो, हाफिज ने कहा बात ना छोड़ो, ईसा ने कहा बंदगी ना छोड़ो, सिमरन ना छोड़ो, इंसान सुनाया करते थे, और काम रह जाए तो रह जाए, पर सिमरन का वक्त ना जाए ये ना छोड़ो, दुनिया काम बेशक रह जाए पर सिमरन का वक्त ना रहे। लेकिन हम कहते हैं कि सिमरन का वक्त तो बेशक रह जाए लेकिन दुनिया काम ना रहे, सोच लो उल्टे चल रहे हैं। सुनाया करते थे बलुचिस्तानी बोले, नींद जब जल्दी फटावी, मांस अटंदा खावी, शब रोज करार हटावी, वैदत न खावी, नींद जबल क्या इस जिसम को सोने ना दे, इसको अच्छी तरह खुराक ना दे, जाग इसको सुख ना दे, जितने सुख है माया का जाल है, जितने सुख संसार के माया सभी माया जाल, जितने सुख है सब माया का जाल है, इसको भजन नहीं करने देते, लेकिन वैदत न खावी भजन न खावी। सोच लो हम सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ है लेकिन कोई अमल नहीं, सुनते हुए मोह माया नंदे हुए पड़े हैं, इसका ख्याल ही नहीं। एक महाजन था रोज सत्संग में जाकर, एक दिन उसका लड़का कहने लगा, पिताजी आप रोज सत्संग में जाते हैं, आज मुझे इजाजत दे मैं भी जाया हूं। चंगा चबस तू जाया, वो सत्संग में गया, वहां सुना किसी का दिल ना दिखाओ, जब आकर दुकान पे बैठा तो सामने अट्टे की बोरी पड़ी थी, गाय आ गई, उसने मुंह डाल लिया, वो खाने लग गए, उसने सोचा कितना खा जाएगी, सिर खा जाएगी, दो सिर खा जाएगी, चार सिर खा जाएगी, बहुत दौलत पड़ी है, उसने ना हटाया। उसका पिता देखता रहा, कहने लगा तो अंधा है, गाय आटा खा रही है तो हटाता नहीं। कहते पिताजी क्या हुआ, इतनी दौलत पड़ी है घर में, दो चार सिर आटा खा जाए, आज ये कहां सीखा कि सत्संग में वहां उन्हें फरमाया था क्या कि किसी का दिल ना दिखाओ, अगर इसे हटाते हैं इसका दिल दुखता है। कहने फिर ना कभी सत्संग में जाना, मुझे 30 साल हो गए उसी वही पल्ला झाड़ाता हूँ, सारी दुनिया कैसा हाल है, सब दुनिया सुनता ही नहीं, कोई सुनता दिल में रखता ही नहीं। उन्होंने हुक्का मारा, जब तक आंख नहीं खुलती हम अल को कैसे देख सकते हैं। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहना घट की संधा, बाहर अंतर मुख शब्द
ये सारी दुनिया बाहरी बात कर रही है, अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करती, अंदर खोज की कोशिश नहीं करती। जब तक खोज नहीं करता कुछ प्राप्त नहीं होता, ये भर्म से नहीं निकलता। कौन नानक बिना पची ने मिटे न भर्म की काई, यही ग्रंथ साहब ने लिखा है। नदरी आवे तिस्सो मोह, क्यों मिलिए प्रवर नाशित होए, कर कृपा मोए मारे पावो, साथ संगत के अंत लावो। कि जो पीछे आंखों से नजर आ रहा है मेरा इनसे प्यार है, मैं मालिक तेरे साथ कैसे प्यार करूं, मुझे कोई ऐसा साधु मिलाओ जिससे प्यार करने से तुम्हारा प्यार जागे, तुम्हारा प्यार उठे। अब अगर ऐसा साधु, पहले साधु नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो देख के पकड़ के बैठ जाता है, देखो पकड़ के बैठ, बचन नहीं पकड़ता। रामदास लिखते हैं, सतगुर को सब कुछ देखदा, जितता जग संसार, डिठे मुक्त न हो गई, इच करे न शब्द विचार। जब तक वचन नहीं मानता कैसे अंदर जा सकता है। सुनाया करते थे कि तुमने मस्ताना नहीं देखा, मस्ताने की देह देखी, मस्ताने का मंदिर देखा, लेकिन मस्ताना नहीं देखा, मस्ताना कोई और चीज है। अगर मस्ताने को देख लो तुम घर बार छोड़ के चले जाओ, जाओ ही ना, घर वापस ना जाओ, काम ही काम छोड़ दे, क्रोधी क्रोध छोड़ दे, लोभी लोभ छोड़ दे, बादशाह बादशाह ही छोड़ दे। एक दफा थाना से कुछ आदमी आए, जब दरवाजे पे आए मिले, भाई कैसे आज कैसे आ गए, कहना जी मिसान जी के दर्शनों को आए हैं। मिसान जी पास ही थे, दरवाजे तख्ते के साथ ही खड़े थे, बाहर होकर कहने लगे, दिखाओ भाई हमें भी मस्ताना दिखाओ, कहाँ है। कहना ये आप जो खड़े हैं पूरा, ये तो चम है, ये तो चम है, मस्ताना तो सत्ताकत का नाम है, मस्ताना तो सत्ताकत का नाम है। मस्ताने को देख लो तुम्हारा घर बार भूल जाए, याद ही ना रहे, सिमरन करके आंखों के पीछे आओ, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करो, फिर तुम्हें पता लगे मस्ताना की क्या चीज है। तुमने तो देह देखी, मंदिर देखा, बाडी देखी, लेकिन मस्ताना नहीं देखा, मस्ताना कोई और चीज है। तो उनके अंदर जो ताकत है उसका नाम मस्ताना है, वो नाम है, वो शब्द गुरु है, वो सतगुरु है। फिर उनको काम पे लगा दिया, कभी जाओ काम करो। सारी दुनिया का यही हाल है, क्या कि बाहर पकड़ के बैठ जाते, देखो असली चीज को पकड़ते नहीं, वचन को नहीं पकड़ते। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, पादुर मुक्ति ना वो, ये मुक्ति का दाता है। जो वचन मानना है वो मुक्ति का दाता है, वो आते ही शब्द को जोड़ने से हैं। इतने फकीर आए सबने, हमें यही हिदायत की, वो शब्द गुरु तुम्हारे अंदर है, उससे जुड़ो, उसको अंदर प्रकट करो। सुनाया करते थे कि बड़े बड़े सत्संगी, बड़े बड़े परमार्थी खाली खाली हैं, किसी को दर्शन ना हो, क्यों खाली रहे हैं, कि वचन ना मानना, भंसम ना किया, भंसम ना किया, हमें मोह माया का नशा चढ़ा हुआ है, नशे में सब कुछ याद ही नहीं आता। माल का नाम ऐसे नशे चढ़े हैं जिसको याद ही नहीं, माया तारी अन्ना बोला शब्द न सुने बाप जोड़ा, सुनता ही नहीं, अंधा हुआ है, बोला हुआ है माया के नशे में, इसको होश नहीं। यही तुलसी साहब ने लिखा है, क्या है घुट में सूजित नहीं, लान तैसी जिंद, तुलसी या संसार को दया मोतिया बिंद। क्या है तो वो सबके अंदर, लेकिन आंखों पे मोतिया बिंद हुआ है। कौन सा मोतिया, माया का पर्दा, विषय विकारों का पर्दा, दुनिया ख्याल, ये पर्दे पड़े हैं, ये उठावे तो इसको अंदर जावे तो पता चले। रंग साहब लिखते हैं, नैन ना देखे साथ से नैन दिहा लिया। जो माल की दरगाह से फकीर आते हैं, इधर हमारे यहाँ तल्लक है, उधर माल की दरगाह में है, वो किसके बिचौलिया दोनों तरफ आते जाते हैं। यहाँ हमें समझाते हैं, जो शिशु मंडलों में जो उनके प्रेमी बैठे हैं वहां भी समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हमारे मास्टर हुआ करते थे पहले, हमारे चार जमातों का स्कूल था पहले, एक मास्टर पहले पहली में बैठ गया, फिर दूसरी के पास चला गया, फिर तीसरी के पास चला गया, फिर चौथी के पास चला गया, इसके पढ़ाते थे। इसी तरह यहाँ भी काम करते हैं शिशु मंडलों में भी, वहां भी मिलते हैं। तभी उन्होंने लिखा है, नानक कचड़े से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पके हैं, तो झूंदे बिछड़े हुए ना जैसे छोड़, वो अंदर भी मिलते हैं जाकर। जिन्होंने वो स्वरूप नहीं देखा अंदर वाला,
उस आंख को, उन आंखों को तो निकाल देने का, वो तो निकाल देनी चाहिए, वो निकाल देने काबिल है। नैन न देखे साथ से नैन बिहाले हैं, कान सुनी नाद कान मुन का लिया। जो कान, ये कान नहीं वो कान और है अंतर है। जो मालिक की आवाज नहीं सुनते, मालिक का शब्द नहीं सुनते, वो बंद करने के काबिल है। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, जो नाम नहीं जपती, जो जुबान नाम नहीं जपती उसको तिल तिल करके काट देना चाहिए। जिन्होंने पाया है मेहनत से, मन से लड़ के पाया है। इब्राहिम कहा करता था मन को, क्या मन, अगर तूने मालिक का नाम नहीं जपना तो उसकी धरती पे न घूम, उसका पानी ना पी, उसकी रोटी ना खा, जब उसका अफजान नहीं देना क्यों करता है। फकीरों ने इसे सख्त मुकाबले किए, ये मन ऐसी बुला है, सारा दिन खाने पीने में लगाया गया लेकिन नाम नहीं जपने देता। हाँ जी, बाहर घर में तारे अंतर शब्द ना तारे मन जगत भोग रस बंदा नित करे कर्म बस तंदा। जब मालिक ने ये रचना की तो विसर ने लिखा है कि पहले 16 सूत्र रखिए जिनमें काल था, काल ने 70 जुग हस्ती की। मालिक ने पूछा तो क्या चाहता है, शक्ति मालिक ने खेल आप ही डाला है, आप ही उसको उसमें डालना था खेल। तभी उन्होंने लिखा खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वास आप प्राप्त किया, मालिक ने आप ही उसकी स्कूल की है। उसने कहा जी मैं ऐसी रचना चाहता हूँ जहां मुझे कोई पूछने वाला ना, जो मर्जी कर। खंड ब्राह्मण बना दिए, अब वो क्या करे, खंड ब्राह्मण खाली है। फिर भक्ति की पूछा क्या चाहता है, कि कैसे बसाऊं। उन्होंने जीत दे दिए। अब जीवों को लेकर उसने क्या किया है, तीन शीरों में कैद किया है। पहले कारण शीर है, वो कारण देशों में काम करने के लिए है। फिर सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म देशों में। फिर ये स्थूल शरीर है, इस देश में काम करने के लिए। अब तीन बंधनों में ये है। और क्या किया उसने, मन चौकीदार लगा दिया और इंद्रिय भोग लगा दिए। जैसे अंग्रेज आए थे, जब उन्होंने क्या किया, राजे महाराजे के लड़कों को, सेठ शाहूकारों के लड़कों को इंग्लैंड में ले गए, चलो भी तो वहां सैर करा के लाए। वहां जाकर उनके साथ एक एक एजेंट छोड़ दिया, उस सिनेमा में ले गए, थिएटर में ले गए, मेमो में ले गए, उनके करेक्टर खराब कर दिए, फ्रजाई कर दिए, आखिर उनके राज खुश लिए। इसी तरह काल ने किया, क्या मन एजेंट बता दिया। उसने क्या किया कि देख भाई, माँ के प्यार की लज्जत देख, औरत के प्यार की लज्जत देख, फलाने प्यार की लज्जत देख, फलाने इंद्री की लज्जत देख, फलाने इंद्री की लज्जत देख, फलाने इंद्री की लज्जत देख। ज्यो ज्यो ये लज्जतों में फंसता गया, इसकी बुद्धि जाहिर होती गई, ये बेखबर होता गया, इसको होश ही नहीं रही। और विषय विकारों में, बाल बच्चों की मोहब्बत में, इंद्री की लज्जतों में फंस गया, कैद हो गया। सच पाशा फरमाया करते थे, एक बादशाह की लड़की थी, उसने किसी शहजादे से शादी करके रानी महारानी बनना था। उसने टट्टी उठाने वाले चूल्हे के साथ, मित्र के साथ प्यार डाल दिया। अब उसके साथ टट्टी ढोती फिर रही है, लेकिन वो उस पर भी सबर नहीं करता, वो कंजरी के पास जाता है, पीछे पीछे धक्के खाती फिर रही है। इसी तरह के सत्पुरुष के अंत से रूह इसने मन से प्यार डाल लिया, और वो मन अपने पास नहीं, इंद्रियों के पास हो गया। जो इंद्री चाहती है खींच के ले जाती है, आंखों की इंद्री अच्छे अच्छे रूप देखकर वहां उस तरफ खींचती है, बाल बच्चों को देखती है तो मुस्कुराता है,
किसी का पैसा देखता है तो लोभ सताता है, सोचो दुश्मन को देखता है तो क्रोध आता है, डंडा उठाता है, सोच लो इसी तरह कानों की इंद्री से सुनता है कि फलाने ने इतने पैसे कमा लिए फलाने जाकर, ये भी कहता मैं भागू दौड़ू मैं भी कमाऊं, सोचो बाल बच्चे की बात सुनता है तो सुख घेरते हैं, जबान की इंद्री खट्टे मुठे रसों की तरफ खेच खेच के ले गई, सोचो सारा दिन इसी में है, मिट्टी प्लीत कर दी इसकी, होश ही नहीं रही। सोच लो इंद्रिय भोगों में ऐसा फंसा है, होश ही नहीं अपने आप की, जब इसने रसो कसम फैला दिया इसको होश ना रही, अब धक्के खाता फिरता है इंद्रिय रसों के लिए, क्या क्या नहीं करता, खोटे खोटे कर्म करता है, फिर भोगता यही पर लगता है, बड़ा भारी चाल है। संत आकर पाज खोलते हैं लेकिन दुनिया को अच्छा नहीं लगती ये बातें, क्यों अच्छी नहीं लगती, ये विषय कर्म फंसा है, उनकी बात अच्छी नहीं लगती, भयन की तरफ आता ही नहीं। सर फरमाया है पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे का सारा, कि जो पापी लोग हैं, जो पापी लोग हैं उनसे दुनिया के झगड़े कजिए के साले कितने करवा लो, लेकिन भजन की तरफ नहीं आते। एक विषय मिलता है पापी भक्त न भावई हर पूजा न सहाय, माखी चंदन पर हरे जय दुर्गंध कहां जाए, कि जो पापी लोग हैं जैसे मक्खी कस्तूरी अंबर और खुशबूदार चीजों पे नहीं बैठती, गंध पे भिन भिन करती रहती है, इस तरह पापियों का हाल है, वो भक्ति की तरफ आते ही नहीं। मजरूम ने अच्छी कहानी लिखी है, कोई चमड़ा रंगने वाला था पानी के, कोई चमड़ा रंगने वाला था, वो गांधी के बाजार में चला गया। गांधी कहते हैं जो इत्र बेचते हैं, इत्रों के बाजार में चला गया, वहां की खुशबू सहार ना सका, डरा कर लोग इकट्ठे हो गए, किसने कहा मिर्गी आ गई, किसने कहा आर्ट फेल हो गया, किसी ने कुछ पंखा करे कुछ पता किया कि फलाने मोहल्ले का ना जी वो दवाई फलाने मोहल्ले का चुमार है, वहां से मोहल्ले वालों को पता किया। जब वो आए एक उनमें सियाणा था, वो पीछे हट गए, उसने वो पीछे गया तो उसने क्या किया, कुत्ते की टट्टी उठा लाया, उसके नाक को सुंघाई, उसको होश आ गया, कुत्ते की टट्टी सुंघाई क्यों, गंध में रहता था, खुशबू सहार ना सके, ये हमारा हाल है, गंध में कितना फिर ये, लेकिन भजन से नहीं वो खुशबू नहीं सहार सकता है, जल्दी जल्दी इसके लिए देख लो यही हाल है हमारा, कि गंदगी यही ने लिखा चित्रित पाप में आलक आवे निस्वा भजन नहीं शर्मावे, सारा दिन मजदूरी करे हर सिमन की बेला बजे से पहाड़ गिर पड़ता है सिमन के वक्त, देख लो हाल दुनिया के पिटती है कि सिमरन नहीं होता सिमरन नहीं होता, इससे सख्त मुकाबला करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सिमरन होता है। हाँ मन जगत को रस बंदा नित कहे करम बस तंदा हस मरे काल के बंदा सुनाया कि जो खंड ब्रह्मांड काल की स्फूर्ति है मार्ग खंड पाताल जिस सब वस सब काले वस आप रख दिया, दुनिया परमेश्वर काल है, सारी दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है, उसने कौन सा जाल और फैलाया है, एक इंद्रियों का दूसरा और भक्ति तरफ आया ये है तो अनेक को जाल, कई कर्म धर्म जब तक मेन क्या है पापुन बीज की कोट, ये बीज है जिसे दुनिया चलती है, जितने हमारे शरीर हैं ये पाप अपुन साथ बने हुए हैं, इसका अंदर पाप अपुन दो भाई दोवे मिलके सिष्ट पाई, दोवे मार जा इक घरावे गुरमस्या समागनी है, इन इनसे पार निकले तब छुटकारा है, यही सारी दुनिया पाप उनमें उलझी पड़ी है, देख लो
पाप को तो बुरा कहते, किसी ने पुण्य को भी कहा, पुण्य भी हथकड़ी है भगवान का, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ियां हैं, दोनों ही हथकड़ियां हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। बुरे कर्म किए नरकों में गया, गंदी जूनियों में गया, अच्छे किए अच्छी जूनियों में गया, स्वर्गों में गया, स्वर्गों में सुख हो गए, फिर चौरासी तैयार है, फिर चौरासी तैयार है। ये कृष्ण भगवान ने कहा कि हे उद्धव, ये जो पीड़ा जा रहा है, ये कहता हूँ स्वर्ग का राजा इंद्र बना, कहता सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना, आज ये पीड़ा है, फिर इन स्वर्गों को क्या फायदा। ये महात्मा चरणदास कहते हैं क्या, पाप उनके सत्य ही है रहा ब्रह्मण, इन दोनों की मिट्टी हो खंड खंड, सारी दुनिया पाप और पुण्य से चलती है। अगर ये ना हो तो सारा खेल खत्म हो जाए। विल्ले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोई उतरे भौजाल से बहते रहे रूझ, जो के काल पर्यंत न जीवे कोई तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संगी। काल पर्यंत एक मियाद है जो तकरीबन 1000 चपड़ी जुटी होती है, उसके बाद फिर रिटायर होना पड़ता है। जैसे ये अफसर रिटायर हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। जो पे काल पर्यंत न जीवे कोई तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संगी, जो पे देवन के माही जाके उतरे तो भी न छूटे कर मुक्त करना, फिर भी छुटकारा नहीं। त्रिलोकी तक जितने जीव है ऐसे ही हाल है, फकीरों ने देखा है वो जन्म के बंधन से ना निकले। तो पीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए, पीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए, तीन लोग फिर आए हूँ बिंदु लगने को, त्रिलोकी तक देख आया हूँ वहां किस कहीं सुख नहीं। वो ऐसा जाड़ा तीन लोग का पिंजरा ब्या, पाप उन लोग जाप, सकल जीव सावज है एक ही काल, सब का शिकार कर रहे हैं। अर्जुन के बाद मौत आती है, अर्जुन के बाद मौत आती है, जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, धर्मराय को पेश करते हैं। धर्मराय हमारे कर्मों के हिसाब से मुस्लिम दुनिया में डाल देता है, किसी कुत्ते की जेल में, किसी बिल्ली को, किसी सुगो में, किसी को नरकों में, कहीं कहीं इसी धक्के खा रहा है। कहां सत्पुरुष की अंश जीव, सोचो गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदे कचहरी में जाता है, उसको सिपाही पकड़ते हैं, वही मजिस्ट्रेट कचहरी में जाता है, उसको जमदूत ले जाते हैं, ऐसा गंदा हुआ धर्मराय के पेश होता है। कहां सत्पुरुष की अंश, सोचो कहां, जैसे बादशाह का लड़का हो, सिपाहियों को डंडे खाए, मजिस्ट्रेट कचहरी में जाए, यही हवा हाल है। एक ने लिखा, कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, कि जब मौत आती है जितने इसने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे सबकी गठरी बांध कर उसके सिर पर रखते हैं। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, सिर पर बोझ है, पीछे सिपाही जमदूर डंडे लिए फिर रहे हैं, प्यादों के संग इज्जत खोती, सतपुरुष की खुदी होती, कहां सतपुरुष की अंश, कहां जमदूतों के डंडे, कहां बादशाह का लड़का, कहां सिपाहियों के डंडे, कहते कितनी शर्मनाक बात है, यही हाल हमारा है। मारे काल के बंदा, अब हुआ जीव अति गंदा, गुरु कहे नित समझाई, कर खोज संत फकीर जो मन की दरगाह से आते हैं या जो भक्ति करके वहां पहुंचते हैं, वो हमें जब वो वहां पहुंचकर देख हालत देते हैं, हमें खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखते हैं, तो उनका इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता, जैसा गंदा देश है। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, दो ते एक रूप हो गयो, जितना भयो हमरा आरंभ हो, ज्यो त्यों तक हमको समझायो, इन कह के लोग उठाए। कि पहले मैं लग था, जब भक्ति करके मल की दरगाह में गया, मल का रूप बना, तो मेरा इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यो त्यों करके समझा के भेजा, तू तो अब जब मर्जी आ, जब मर्जी जा, उनको भी समझा, शायद कोई मान जाए ये काम भी कर। यही शमशेर ने लिखा है,
कि मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता, लेकिन मालिक से कॉल करके हम इसलिए रह रहा हूँ, इसलिए रह रहा हूँ, वरना मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। वो आकर क्या कहते हैं, क्या अजीब अजीब, क्यों दुख के देश में पड़ा है? तेरा देश अति खुशी और शांति का है, बड़े प्रेम का है, आनंद का है। तू सत्पुरुष की अंश है, ये कौमें तेरी कौमें नहीं, ये मजहब तेरे मजहब नहीं, तेरी कौम आत्मा है। तू सत्पुरुष की अंश है, कहो पीरे राम की अंश, राम की अंश है। अगर तू वहां जाना है, उस खुशी और शांति को देखना है, तो क्या कर, रास्ता ले, जाप को अंदर चल, चल अपने देश, वहां खुशी खुशी है, शांति शांति है। यही रात भी सुनाया था कि रुदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं कोई ठा, ना तस्वीर न खराज न माल, खौफ ना खतर न तर सवाल, अम वतन दे पाई वहां खैर सदा मेरे भाई। कि मैं उस देश का वासी बना हूं जहाँ कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टैक्स नहीं, ना कोई गुनाह करता है, ना गुनाह की सजा है। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, और खूब वतन गए पाई वहाँ खैर सदर मिल भाई, वहाँ खैर ही खैर है, सुख ही सुख है, वो हमारा देश है। जब तक वहां नहीं पहुंचते हम कहते अपने घर में सुख है, इसलिए वो घर है हमारा। जब तक वहां नहीं पहुंचते, पीछे क्या था वो बुदनाम वाले गए थे ना हिंदुस्तान के, एक मिनट में निकाल दिया, सोच लो सब ज्यादा छोड़ के आ गए थे, ये भी छोड़ जानी है, सोच लो पता नहीं कब काल आ जाए। वो अति खुशी और शांति का है। अगर जाना है तो राह तुम्हारे अंदर है, नाम जप, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा कर। इसके लिए क्या कर, ना वो घर बार छुड़ाते हैं, ना बाल बच्चे छुड़ाते हैं, ना कौम बच्चे छुड़ाते हैं, देश छुड़ाते हैं, क्या छुड़ाते हैं वो कहते विषय छोड़ दे, इंद्रिय भोग छोड़ दे, दस इंद्रिय कर रखे बात, ताकि हाथ में हो प्रगास। कहते हैं क्यों जहिस बैरू नियामत आदमी बाशत अज तस्वीर गैब आदमी, जब तक इन भोगों से परे नहीं होता ये मालिक की गैब की तस्वीर को नहीं देख सकता। यही गुरु अमरदास ने लिखा, नौ दट ठाके तात्र है, दस में निज करवा सब पाए, उसे अनहत शब्द वजह दिन राति गुरमुक्ति शब्द सुना। किस मंदिर के नौ दरवाजे हैं, ये कायर मंदिर है, दो आंखों के, दो कानों के, दो नाक के छह, एक मुंह का, सात और टिशाब के, इनको बंद कर। मेन तीन है, आंख कान और मुख, जिनके जिद ज्यादा संस्कार लेते हैं, इसलिए कबीर ने लिखा है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहत चिंता शब्द सुनाओ। ये मुसलमान फिर कहते हैं चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद करना भी नहीं सरेहक बर्मन बखंद, आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, अगर फिर तुझसे मालिक का राज ना खुले तो मुझे अपक, मैं जिम्मेवार हूं, नाम दर्द ठाक के साफ रहा है, दरवाजे बंद करके बैठो, मन भागा दौड़ा फिर रहा है, इसको रोको। दस मैं इसके अंदर खुलता है जो अंदर जाने का, मालिक की दरगाह में जाने का, अगर वहां ख्याल टिक जाए वो तो अनहद शब्द, दिन पर रात मालिक की दरगाह से आवाज आ रही है, शब्द आ रहा है, अगर उस शब्द को पकड़ ले तो सुख हर का रास्ता मिले, शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पर सकता है, वो सीधी सड़क है, जरनैली सड़क है। गुरु खान पंथ पर उठा दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाह नाम मान नाम रहन लुलाए, अनहद तुम दर बज दे सचे सो बकाई, मार के दरगाह पहुंचे, लेकिन सुनता कैसे है, उसे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमत्ती शब्द सुना बने, तो गुरमत वाला फिर मिले, वो हमें तरीका बताए। दुनिया में देखो कितने मत हैं, लेकिन असल दो मत हैं, मनमत और गुरमत, मनमत और गुरमत, सारी दुनिया मनमत में है। मन अंतर बोले सब कोए, मन मारे बिन भक्त ना होए, सारी दुनिया मन के मत आता है, मन के कहे चलती है। गुरमुख वो है जिसने अंदर शब्द गुरु को कर लिखा लिया, शब्द से कर लिखा है, जन मन के बंधन से निकला है, उसका नाम गुरमुख है। मनमुख कौन है, से मनमुख जो शब्द न पिछाने, जिसने शब्द का रस नहीं लिया, नाम का रस नहीं लिया, वो मनमुख है, जिसने ले लिया वो गुरुमुख है, उनके जरिए सीख सकता है और कोई तरीका नहीं। गुरमुख तीन शब्द सुना भी नहीं, गुरमुख जाता कर्म विदाता जुग चारे गुरु शब्द को चाहता,
गुरुमुख मरे न जमे, गुरुमुख गुरुमुख शब्द समाये, वो शब्द में समाये हुए हैं। वो हमें ऐसा तरीका बताते हैं कि ये भी शब्द में समा जाए, अपने घर पहुंच जाए। तो ये कहते हैं कि जब वो फकीर आते हैं, हम कहते हैं चल अंदर कर खोल शब्द घटा इधर पढ़ दे। हाँ सुनो बाहर से। हाँ जी गुरु कहे समझाई हर खोज शब्द घट जाई ये तो जब संत फिर आकर हम समझाते हैं कि सुनता ही नहीं, कहता क्या रखा अंदर, बहुत फकीर देखते हैं क्या है अंदर, हड्डी है मांस है चमड़ा और क्या है। मेरे डॉक्टर कहते हैं क्या कि हमने बहुत चीर फाट की है, कहीं न सचखंड देखा न ब्रह्मा देखा न विष्णु देखा न, वो भी ठीक कहते हैं, हमने शरीर देखा माता देखा, वो माता नहीं, जो कुछ है मन के पर्दे के पीछे है, ना शरीर में है ना वो माता है, है भी शरीर में है भी नहीं, लेकिन माता भी नहीं, जो कुछ है मन के पर्दे के पीछे है। जैसे रेडियो है उसमें कैसी आवाजें आती हैं, जगह जगह की मीठे मीठे राग हैं, लेकिन अगर राग इसको तोड़ो तो ना कोई गाने वाला है ना कोई राग है। इसी तरह अगर इसको काटो जिसम को चीरो तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये भोग छोड़े इंद्रियों के, मन को काबू करे, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, तो इसको सब कुछ मिल जाए, ब्रह्मा शिव विष्णु राम कृष्ण सदगुरु सब मिल जाए। अंदर राग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, जिसके मुताबिक लिखते हैं वो आनंद आनंद है, अमृत 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 वर्ष रहे हैं, आनंद भया मेरी माया सुनते हैं रोज पढ़ते हैं, आनंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सह सिद्धि मन विजय बधाइयां, राग रतन परिवार पढ़े शब्द का बनाइया कि मैंने ऐसा आनंद हासिल किया है कि अंदर सतगुरु को पा लिया है, वह परियां नच रही हैं, राग हो रहे हैं, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या कितने तेरे बाग नारे, कितने तेरे राग परिस कितने गाव नारे। लेकिन फकीरों की बात की बार ही नहीं करता, फरमाया करते थे कि दो पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेंगे, हमारी कोई मान। वाकई ठीक है, ये तुलसी ने लिखा है माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कौन सुने फरियाद, उनकी सुनता ही कोई नहीं, सब की रो रो के गए हैं, किसी की नहीं सुनी, किसी बिरले ने सुनी, दादू कहत पुकारी कोई माने ना ही हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पटपन मुए लवारी, वह तीर्थ वह हद को जाते बूढ़े भगदलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़ेंगे बेचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भगदल पारी। कोई जपो में है कोई तपो में है, कोई हज पे जाता है कोई तीर्थों पे जाता है, कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा है कर्म धर्म में लगा है, सुनता ही नहीं। मैं कहता हूँ मैंने नूर जूर खुदा देखा, तुम भी देखो, इस तरफ ख्याल ही नहीं किसी का, सब फकीर रो रो के गए हैं, किसी की सुनी नहीं। मिसा जी बड़ा करते थे जब उनकी नहीं सुनी, मिसा ने गरीब की कौन सुनता है। बिरला ही है जो संत सोच में आता है नाम लेकर जपता है, वरना पहले तो ऐसे भलाई बैठी है जिन्हें कोई मालिक है ही नहीं, कोई गारजी नहीं मालिक की, अगर किसको ख्याल आता है तो संत के पास नहीं आता, सही रास्ता नहीं मिलता, अगर आता भी है तो नाम लेकर छोड़ देता है, जपता नहीं, कर कोई बिरला है जो जपता है। ऐसे है दवाई तो मिल गई लेकिन खाई ना, फिर क्या फायदा हुआ, डॉक्टर मिला डॉक्टर काबिल मिल गया,
लेकिन दवाई ने इस्तेमाल की फिर इलाज कैसे हो, फिर भी पूरा मिल जाए अगर ना जपे तो फिर कैसे दर जाए। कोई गिल्ला है तभी उन्होंने लुका है, कहो नानक कोटन में कहो जो भाई नाम को पा कोटन में को जग में तुम काटिए बिल्ला के कोट मधे कोई बिरला सेवक, कोई बिरला सेवक है कोट मधे कोई बिरला सेवक हो सकले बिहारी, बिहारी तो सब बन जाते हैं लेकिन असली कोई बिरला ही है जो मेहनत करता अंदर जाता है अंदर शब्द करास लेता है अमृत पीता है। हाँ जी बिरला को मेहनत करे तो सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर। कल एक लड़की थी उसने बताया गुरु भजन करे आधारी जो वचन हमारे पुरखे मन संग लगावे फल के सत्संग में आकर चाल तो पड़ता है कि हम भी भजन करें अंदर देखें, लेकिन जब घर जाते हैं अगर शिकायतें करते हैं कि मन नहीं लगता मन करने नहीं देता, हमारे अंदर दो ताकतें हैं एक काल की एक दयाल की। दयाल करो सदगुरु की, हम काल के दौर में भी हैं, उनकी पद क्या है मन काम क्रोध ओंकार, मन काम क्रोध ओंकार ये काल की पद हैं। जैसे जब अंग्रेज यहाँ थे जो आजादी के लिए उठता था तो उसको वो क्या कहते थे, प्यार से समझाते थे, ओहदे दे देते थे, मिनिस्टरों तक बेशक बन गया, अगर क्या आजादी लेनी है तो उसको घर बार कर देते थे, सोच लो तबाह कर देते थे, उनको फांसी पर चढ़ा देते थे। इसी तरह काल ने मुश्किल से जीव लिए हैं, वो नहीं चाहता कि कोई भी जीव मालिक की दरगाह में जाए, अगर सारे जीव चले जाएं तो उसका देश उजड़ जाएगा, कहाँ राज करे वो, सोचो देश उजड़ जाएगा। जब कोई भजन करने लगता है तो उसके देश में शोर में जाता है, कुरान में जाता है कि पकड़ो 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 जा रहा है, तो उसकी फौजें तैयार हो जाती हैं, क्या काम करो लोगों का होशियार हो जाते हैं, काम करता है अभी तो जवानी है बहुत वक्त पड़ा है भजन का, फिक्र ना कर फिर करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, अगर अब ऐश ना की फिर कब करेगा। वो कहता बाल बच्चे पाड़ ले फिर बैठ के भजन करना, वो कमाएंगे तुम बैठ के भजन करना, पहले देश का गुजारा नहीं, फिर अगर हो भी उनका गुजारा नहीं होता, अगर हो भी फिर भी नहीं करता। वीर साहब भर जा करते एक जिम्मेदार था उसको कहा करते भी भजन कर, हाँ जी भजन ही करना, लड़के तकड़े हो जाए, कई दफा गए कौन सुनता है। अब क्या देखा कि वो तो जब गया पूछे बाबा के बाबा जी मर गया, कबीर साहब बैठे ख्याल में क्या देखते हैं कि बाबा बाबे का सेवा करने का ख्याल था बच्चों का और गाय के साथ प्यार था, बैल बना बच्चा बना बैल उन्होंने, फिर बैल बना उन्होंने बैल बन के उनकी सेवा की, जब उनके काम करना रहा उसने तेली को भेज दिया, कोल्लू में गया जब उसके काम करना रहा उन्होंने कसाई को भेज दिया, तो वहां वो लिखते हैं कि मेरी तो ना माने बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू रहे तुम फिर कसाई दीन, मांस कटा बोटी बिकी चमड़न मड़ी नकार, कुछ कर कर्म बाकी रहे किस पर पांटी मार। सोच लो ये तो हुआ इतना तो सहा लेकिन मेरी ना मानी, सोच लो किसने मानी है, लोग कहते पैसे कमा ले फिर भजन करना, सोच लो रोज कहते दुश्मन को तो ठीक कर ले इसमें तुम्हें बैठने देना है, अगर झगड़े में पड़े तो सारी उम्र निकल गई,
राम कह रहे कुछ किया भी, तो मैं इतना भजन करता हूँ वो खा गया, किया किराए साहब क्या जाए अहंकार, सोचो खत्म। ये दीनता प्रेम का मार्ग है, मुकाबले का भी है, दीनता प्रेम के दीनता रखता हुआ सतगुरास लेके भजन करे, मन से मुकाबला रखे। इसका लाज ही डंडा है, काम करो ओंकार का मन का, जिसने भजन किया डंडे से किया, इनसे लड़ाई करके किया। यहाँ एक दफा गन्ना बीजा हुआ था पड़ोसियों का, ऊंट खराब करने लगा, उन्होंने क्या किया खिलाड़ी में जो जोत दिया, दो दिन जोता सीधा हो गया। ये मन भी डंडे का लाज है, डंडे सीधा होता है, ऐसे नहीं, जिन्होंने किया है मन से लड़ के किया है, जल्दी जल्दी काबू नहीं आता। गुरु अमरदास देख लो, दिन को सेवा करने रात को किले से केस बांधने, सचिव शाह सारी सारी रात बैराकंठ पे खड़े रहते हैं। तो मुसान जी ने रात भी सुनाया था, शलजम का पानी, कद्दू का पानी निचोड़ निचोड़ पिया तब हासिल किया है, जल्दी का भी काम नहीं, जल्दी से भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन करना भी है, मुकाबले के बगैर काबू नहीं आते। जब मुकाबला करते हैं तो सीधे भी हो जाते हैं। ये जिन्होंने पाया मेहनत से पाया, बिन मेहनत किसी ने पाया रखता ना खजाना, सख्त में थे गुरु नानक साहब खुद अकाल पुरख आए हमारे समझाने के लिए, 13 साल रोड़ियों का बिस्तर रखा। सोचो भी ऐसे मन को काबू किया जाता है, ऐसे नहीं। हाँ जो वचन मारे गुरके मन पंद लगावे चलते। सचिव भाई सुना करते थे, एक मुसलमान पीर था, रात को उसका भजन न बना, मुसलमान को बच्चा साल भर उसको ठंडा पानी नहीं दिया, गर्म पानी दिया, मतलब इतने मुकाबले किए। हाँ भुलाए अपने खेल लावे, कि हर तरह मन और काल इसको बुलाने की कोशिश करते हैं, भजन ना करें। पहले तो हम वक्त नहीं देते, अगर वक्त सिर्फ ख्याल ही नहीं करते, अगर ख्याल करते हैं तो पूरा वक्त नहीं देते, अगर पूरा वक्त देते हैं तो मन भुलावे में डाल देता है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, थोड़ी सी थकावट है, थोड़ी सी नींद आती है, जरा सो ले, सोया और चढ़ गया। सोच लो ये हाल है सबका, सबका ये हाल है, सोया और दिन चढ़ गया फिर पिछताता है, पहले तो वक्त नहीं देते, अगर वक्त देते हैं तो ये हाल है, फिर अगर घड़ी रख के करें तो कहते हैं 2.5 घंटे का हुक्म है, मिनट मिनट पे घड़ी देखने लग जाता है कि हो गया होगा वक्त, ये घड़ी का सिरन हुआ कि मालिक का हुआ। सोचो क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब, एक खिन पल विसरे स्वामी जानू वर्ष 50 साल का वक्त पड़ गया, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सन मुर्शिद फरमाया हूं, जब गाफिल हुआ तो कहते मैं काफिर बन गया, बोलो कहते काफिर बन गया मैं। एक दफा बुल्ले शाह जा रहे थे तो दीदी दूध देती थी, जो है पैसे ले दूध दे दे, पैसे आए दूध दे दे। तो एक आदमी गया तो उसको दूध डालती गई, बुल्ले शाह ने पूछा देखा, वो कहने लगा बीबी उनको तो पैसे दिया पूरा दूध दिया, इसको क्यों, अभी यार नाल केड़ी गिनती, तो जी गिनती का सवाल ही नहीं, वो कोई कहता कितना टाइम चाहिए, कोई कहता किस वक्त बैठना है, उसको तो हर वक्त ही टाइम है, तो लगे रहो दिन पर रात, जिसने पाया दिन रात की मेहनत से पाया है, 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला दर ध्यान, ना जानू कौन ही घड़ी आए मिले भगवान, 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के ये हमारा नेम, जग गाय जग जागिए पगियर के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ दो कंधाम। अगर कभी भूल भी जाए तो उनको तड़प लग जाती है, क्यों भूले गुनान साहब, मोदी खाने में लगा दिया हमको, जब तोलते गए तोलते बालक ही भूल गया, जब 13वां पलड़ाया तो बस फिर 13 तेरे रह गया, सोचो 13 तेरे रह गया, इसके नाम सिमरन है, हर वक्त याद रहे, मिनट मिनट पे याद रहे, काम करते भी, उठते बैठते चलते फिरते रोटी खाते टट्टी पेशाब पे भी। हाँ जो जो करा जीवा
गुरुभक्ति क्या, अंदर सतगुरु को प्रवेश करना। कहते ये काम करने नहीं देता। अभी कहता है अब नाम तो मिल गया, कौन रोक सकता है, सतगुरु पूरा है, ये ऐसे है कि डॉक्टर तो मिला, दवाई मिली लेकिन खाई ना, सोचो ये काम नहीं करने देता बस। हाँ भगत ना करने पावे ये खेल है उसके, कभी तो कहते नाच रंग तमाशे वगैरह नहीं छोड़ता। और फिर कोई करवाता कर, तेरे दादे परदादे ये करते रहे, अब तो नया राह चलाएगा, कुदीरों के पास नहीं है, उसका कहा नहीं मानता। कुदीर करता भी है और करता है, कभी मित्र हो बनवावे, कभी बैरी बंद धमकावे, क्या रात को भजन करेगा जागेगा, कल को काम कैसे होगा, नींद आएगी काम नहीं होगा, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सोचो बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बाल बच्चे पहाड़ से बड़ी भक्ति कौन सी है, हर तरह रुकावटें डालता है। प्रेमी था, दुकान पे बैठे विस्मरण करते थे, उसने बताया आकर किसी को सौदा दे दूं, याद इन्होंने पैसे, वो खुद दे जाए, खुद ही दे जाए, मालिक सब जानता है, जिसका दिल सच्चा होना चाहिए मालिक सब संभाल करता है। हाँ लेकिन इसको दोबारा नहीं मालिक थे। हाँ फिर भी अटे ना, भजन करे तो बीमारी देगा, कभी गरीबी दे दी, कभी पैसे में फंसा दिया, कभी घर बार की चिंता कर दी, कभी मुकदमा खड़ा कर देगा, कभी घर में क्लेश कर दिया, क्या कभी बीमारी, कभी घर की चिंता, कभी कुछ कभी कुछ, हर तरह बनाने की कोशिश करते, ये भजन ना करे। उसका काम यही है, बिना सब लिखते हैं, मन मैंगल साकर दीवाना, मन खंड माया मोह हैराना, तो चाले काल के जापे गुरमुख खोज लय करापे। क्या मन एक मस्त हाथी की तरह है जो मोह माया विषय विकारों की जगह में भटका फिर रहा है, कभी स्त्रियों का प्यार, कभी बच्चों का प्यार, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशों में लिए फिर रहा है, कभी कौमों मजों के बखेड़े सोच लो, कभी देशों के बखेड़ों में उलझा रहा है। ये काल का एजेंट है, इसका काम ही भरमाना भटकाना, कुछ भी नहीं, बस इसको एक ही काम है। हमको तो अनेकों काम है लेकिन इसको एक ही काम है, ये भक्ति ना कर ले बस। किसी बिल्ले ने इसको काबू में किया। कुछ भी हो सिमरन ना छोड़े, फिर मालिक इसको इस्तेमाल करता है, वो भी दे सच्चाई और पकाई देखता है, अगर सच्चा है तो मालिक भी दूर नहीं कहते। हाँ अगर अंदर जाए शब्द का रस, हस काले नाम का रस, हसल काले वो अमृत पी ले तो सारी बीमारियां दूर हो जाएं, सारी बीमारियां दूर हो जाएं, काम क्रोध लोगों का निकल जाए, मन काबू में आ जाए। अब उनको निकलना पड़ता है, घर में अमृत रस कर ले, नन्ना कार न कोई करी, सबके अंदर अमृत बस रहा है लेकिन वो पी रहे हैं। अब आजकल देखो कोई साल दो साल किसी की जमीन हिस्से पे लेता है, वो छोड़ता है, कब्जा करके बैठ जाता है, देख लो जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं, कोई मकान किराए पे लेता वो छोड़ता नहीं, ये जुगो जुगो कब्जा कैसे छोड़े बोलो आसानी से, सोच लो कैसे छोड़े, ये जुगो जुग से ही अमृत पी रहे हैं सारे।
घर में अमृत तस्कर ले नन्ना कार न कोई करे यही पी रहे हैं अमृत। अमृत इसके लिए था लेकिन वो पी रहे हैं। सोचो वो कैसे कब्जा तो छोड़े हैं? जल्दी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ते, इनके साथ सख्त मुकाबला करना पड़ता है। ऐसे नहीं हाँ, ले लो मकान खाली करना, जमीन खाली करवाना कितना मुश्किल है, सोच लो वो अमृत कैसे छोड़े हैं। हाँ मेहर की है, ये दांत उसने अपने हाथ में रखी है, दाते दांत रखी है अपने जिस पावे दिस देगी। जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसकी मात सुनता है, उसको कोई काम फिर मिलता है, उसको फिर रास्ता मिलता है। तो जो सच्चे दिल से जपता है उसकी मालिक मदद करता है, दूसरे की नहीं, ये दिल की सच्चाई पे है। और दिल की सच्चा होकर जपे मालिक जानता है कि इतनी बला से इतनी ताकतों का मुकाबला रखकर ये समझ करता है, इनका मुकाबला करना पड़ता है, वो भी फिर त्याग करता है। ऐसे नहीं, मगर सच्चे दिल से लगा रहे, क्या कुछ भी ना बने, दो वक्त बैठे उठते बैठते चलते फिरते लगा रहे, जिस तरह हो मुकाबला रखे क्या कुछ ना बने। इसी तरह निशान जी देखो कुश्तियां करवाते, रात भी हंसती थी, कुश्तियां करवाते, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रस्सा कशी, कभी कोई कभी कोई, हारने वाले को कभी ज्यादा देते, जीतने वाले को देना था, हारने वाले को ज्यादा देते। क्यों? किसने अपने तकड़े से अपने अपने से मजबूत आदमी से इतना मुकाबला तो रखा, ये भी इसकी बहादुरी है, मन से मुकाबला रखे, मालिक भी इसको इनाम देता है। ऐसे नहीं हाँ। वो तो हर वक्त मेरे लिए खड़ा है, लेकिन मन का मुकाबला नहीं कोई करता, अपनी हिम्मत नहीं कोई करता। क्या कहते हैं पंडित साहब, सतगुरु सबको देता लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आसम मारी, आशा तृष्णा छोड़े, इंद्र भोग छोड़े, मुकाबला रखे, फिर वो भी तैयार हुए। हाँ जी, सारी दुनिया कांप को लोगों का सड़ रही है, अगर मुकाबला रखे सतगुरु मेहर करे पूरा ले ले तो सारी अपनी बुझ जाए, इसके अंदर शांति आ जाए, इसके अंदर शिव शिव संतोषी फल और फूल लग जाए, अंदर सतगुरु प्रकट हो जाए, अमृत पी ले, अमृत का रस ले ले। हाँ जी, सब बात लगी अब काची, गुर भगत मिली अब साची। जब इसने मेहनत की सच्चे दिल से तो मालिक भी सुनता है, अंदर सतगुरु आ गया, नाम का रस लिया, अमृत पिया, अंदर शांति आ गई, दुनिया सारी फिक्र लग गई, ना तो सब के मुकाबले में कोई खूबसूरत कोई प्यारा है, ना उस लज्जत के मुकाबले में इन्हें भी लज्जत है, सारी दुनिया लज्जत फिकी लगने लगी, जब फिकी लगने लगी उनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई, जब आशा तृष्णा खत्म हो गई काम को लोगों का काबू में आ गया, मन काबू में आ गया। हाँ जी, ऐसे तो हम कहते हैं सारी दुनिया पूरी है, लेकिन फिर तसल्ली हो गई, अच्छी लगती नहीं, इस तरफ आने को ख्याल ही नहीं करता। हाँ।
असली भक्ति का कोर्स यहाँ आकर शुरू होता है, जो नाम का कोर्स कह लो, गुरु भक्ति कह लो, असली यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक तो आना एक प्राइमरी कोर्स है, जैसे बीएससी वगैरह करके फिर डॉक्टरी में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, इसी तरह यहाँ तक आना ये पहला कोर्स है। यहाँ से असली शुरू होता है, असली भक्ति यहाँ से शुरू होती है। हाँ, यहाँ सदगुरु साथ है, कदम कदम के साथ है, एक मिनट भी नहीं छोड़ता। यहाँ इसी के लिए लिखा है, कौन नाम है, जिन सदगुरु में लिया तिनका लिखा निकले, बस यहाँ है। अगर आए नहीं, सदगुरु के पास गया ही नहीं, कैसे लिखा निकले। हाँ, ये ठीक है, जिनको काम मिला है उसको छोड़ते नहीं, कराएगा जरूर, लेकिन तसली जावा जब अंदर जाए, कई कई जन्म लगेंगे। यहाँ बैठा है, शायद आया भी हो लड़का, हिंदुस्तान जी से नाम दिया था, बुढ़ा था, सिमरन किया नहीं, तो मौके पर हिंदुस्तान जी यह कहने लगे, भाई बात यह है, तुमने सिमरन तो किया नहीं, तुम्हें फिर याद यहाँ आना पड़ेगा, तुम अपने इस लड़के पोते से कह, तुम्हें ये याद कराएगा, ऐसे जगते जाना, तुम्हारी जान अच्छी तरह निकल जाएगी। उसने ऐसे किया, वो कह गया मैं तुम्हारे घर में फिर आऊंगा, मैंने नाम नहीं देखा। अब वो लड़का पढ़ा, फिर उसकी शादी हुई, अब उसके बच्चा हुआ है। तो एक दिन देख के इधर उधर कहने लगा, मैं तुम्हारा ताता हूँ, तो चली दे गया। उसको बात याद आ गई, उसने भाई को बुलाया, माँ को बुलाया, तो माँ को कहने लगा, तू तो मेरे कुंड काट दी हुई सी, नौ जो सी तू तो कुंड काट दी हुई सी, तसली दे गया, मैं वही हूँ, नाम जपने के लिए आया हूँ। सोचो जपना पड़ता है, जपे बगैर छुटकारा है, फैसला है, कहो नानक ये तत्व विचारा, बिना रुपए नहीं छुटकारा। सामने मिसाल है, ऐसी कई मिसालें हैं। हाँ हाँ जी, जब यहाँ आया सब साथ है, ये असली शर्त है। बाहर शर्म क्या है, हुक्म मानना, हुक्म नहीं मानना, भजन नहीं किया, अंदर जा नहीं सकता तो कौन सी शर्म है। अरे पर्दा नहीं खुला तो कोई शर्म नहीं, अरे सदगुरु के अंदर दर्शन नहीं है तो कोई शर्म नहीं, शर्म ये है कि अंदर सदगुरु के दर्शन हो जाए। हाँ सारी गलतियां भी अब तकलीफ आती है। सोचो भाई, नाम लेकर कोई गलती करके जरूर सजा पाएगा, पहले कह देते हैं, जरूर पाता तो वैसे भी है, लेकिन ये दिखा देता है सदगुरु, उसको डंडे से सीधा कर देता है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। वो क्या नाम, शेरगढ़ वाला है, पटवारी बड़ी खेड़े आया था, वो पहले उसको नौकरी नहीं मिलती, यहाँ नाम ले गया, फिर नौकरी मिली, पटवारी ला गया, फिर शराब मुक्ति पिए, कभी कहीं से आ गई, कभी कहीं से आ गई, फिर कहने लगा सब घर में एक लड़का हूँ, जायदाद काफी है, सब बर्बाद हो गया काम। कहता फिर टूने टाने वालों के पास गया, पीछे वाले के पास गए, कहता वो कहते हमारी पेट नहीं है। फिर आया वहां, उसके बाप ने कहा वहां जाकर माफी मांग किया, माफी तब है, ऐसे नहीं, ऐसे तो बात ठगी, आप भी खुश हो जाओगे, हम भी खुश हो जाए, हम माफी देने वाले बन गए, तुम्हें माफी मिल गई, ये नहीं। सदगुरु के आगे बेनती कर, दो दो चार चार घंटे भजन कर। हाँ ऐसे तो दिल्ली का है, कहा दिल्ली का ढूंढ का, हाँ क्या कर लिया, फिर तकलीफ आती है, नहीं तकलीफ
सुनो भाई काम पड़ गया सुनो, तकलीफ जरूर आएगी, आज नहीं तो कल जरूर तकलीफ आएगा, सुधर आएगा। इसको देर से आज उनको सुनाया था, 7-8 साल के बाद सदगुरु ने ऐसा डंडा उठाया, आप सीधे हो गए, कितने ही देर उसके साथ सीधे हो गए। हाँ, ये खत, हाँ सुनो, अंदर सदगुरु के आगे विनती करो, माफी मांगो, 2-2, 4-4 घंटे भजन करो, चलते फिरते बैठते जैसे भी हो सके, चाहिए तो है उठते बैठते लगे रहो, फिर माफी का पता लगे तो शांति, अब माफी का पता चलेगा, ऐसे क्या अच्छा। हाँ, अंदर माफी मांगो, अंदर माफी मांगो और 2-2, 4-4 घंटे भजन करो, फिर ठीक होगा काम। सुनो, अगर भजन नहीं तो कोई माफी नहीं, फैसला। हाँ जी, सोचो युगो युग से हमारे हृदय के अंदर मैले चढ़ी हुई है, ये सिमरन मैलों को साफ करने के लिए, मैला निकालने के लिए, मैलों को साफ करने के लिए। अगर थोड़ा सा साफ हुआ फिर मैले चढ़ा ली तो उसको आप ही करना पड़ेगा, सोचो आप ही मैले चढ़ाएंगे, आप ही साफ करना पड़ेगा, ये मैले साफ होगी तब ही शांति आएगी, कैसे आएगी। हाँ हाँ जी, तुम भी क्या कर लिया क्या। फिर एक आदमी वो कहने लगा, मैं शराबियों के पास बैठ कर रोटी खा ली, उनके संग में अंदर बैठा था, कहने रोटी खाई है उनके साथ पास बैठ गई, पी नहीं, कहते चैन नहीं, यहाँ दर्द है, एक मिनट नहीं बैठा जाता, ये खैरे का है अपने सरसे के पास, वो कहाँ है भाई खैरे के वाला, खैरे के वाला, हाँ कैसे आ, देखो ये बंदा हुआ है, बोलो, कहते जान के तो नहीं किया, जान मैंने जहर, अगर जान के ना खाया, ऐसे खाती खाई जाए तो असर तो होगा। हाँ सोचो, बोलो दसो, पी भी नहीं, उनके साथ ही बैठा है, पूरी कहाँ का है सतगुरु ने, ये बड़ा अच्छा किया, डंडा उठाता है बस भाई एक ही इलाज है, बस स्मरण करो और अंदर माफी मांगो। हमारा तो कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह उसका किया है, उसका हिरदा साफ किया, अपना हिरदा साफ किया, सतगुरु मंदिर साफ खराब किया, उसके आगे विनती करो, स्मरण करो बस। हाँ सुनो, चलो बैठ, चलो बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, तेरे नाल भी आया कोई, वो बोला आजकल सोसाइटी है खाम खाम, चलो है बेईमान, हाँ चलो, हाँ सुनो सुनो भाई, कीमती बात है, बैठ जाओ। हाँ सोम कहाँ है, सोम इनका एक पेंटर है समझ इसकी किस्सा, अब तो ठीक है ये। हाँ आप भाई सुना इनको, हाँ सुनो बोल रहे, ये खाकर सच्चे पातशाह ने किसी को भेजा कि तेरा मन मेरे को ज्यादा प्यार करे तो 1-2 दफा पढ़ लिया कर, आदमी का दुश्मन ये मन है, मन ही सानू नरका विच ले जांदा है, मन ही सानू छोटे कर्म करांदा है, जो आदमी मन दे कहे विच काम करता है वो अपनी गर्दन
अपनी छुरी नाल कटदा है, यानी अपने आप नूं नरकां दा हकदार बनांदा है। जो छोटे कर्म एक करांदा है वो रूह नूं भोगने पैंदे हन। ये मन इत्थे उत्थे अपने पर इल्जाम नहीं लैंदा, दूसरे पर इल्जाम देता है। ऐसे जबरदस्ती पढ़ा दी जी, यूं कर दिया जी, वो कर दिया जी, हैं? आगे इधर आ। हाँ जी, और मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु और नाम के इसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। जो एक छोटे कर्म करता है उसको ही भोगने पैंदे हन, क्योंकि उसने ही कीते। एक दूसरे के कारण कोई नहीं ले सकता। बाप करे बाप को गए, बेटा करे बेटा को गए। सारे छोटे कर्मों की दुआई भजन सिमरन है। जो नाम तुमको मिला हुआ है सर्व रोग का औषध नाम, सो जिस तरह हो सके अपने मन में सीधा करो। जो मन छोटा टाइम मंगे मत को, जो तुम कहते हो माफी दो, माफी देने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। अगर नाम नहीं जपते कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। फैसला सुनो मेज का किसान। मैं रात नाम कर लिया, नाम कर लेकर चला गया। फिर मैं एक पेंटर का काम करता थी, दुकान बहुत लड़ी, पैसा आम हो गया। पार्टी यही थी, 500 रुपया नाम दे के वाले का दुनिया तेरा काम जाने सी गई। जपोगे सुख पाओगे। जेड़ा जपता है, सुनो, जो नाम जपता है उसके घर में बरकतें हैं। किसी चीज की कमी नहीं रहती, घर में पैसा भी नहीं, सब काम करता है। लोग अगर बताते हैं, जो नहीं जपता काम उसके भी करता है, क्या थोड़ा जपता है। लेकिन जो सूद तोड़ता है फिर उसको छोड़ता भी नहीं। भजन के नाम प्यारे
Thank you.
कर्म में नौ दस मास नहीं नहीं पहला जो कॉल करी भजन कर लिया वही है बोल हाँ गंध में था उठा लटता था उसको कहता था माल ऐसा बोल मुझे जेब से निकाल मैं तेरी भक्ति करूंगा वो तो भूल में ही था माँ के एहसान को भूल गया सोचो माँ ने पाला उसको पता है मुझे पाला है सब कुछ है पता है कैसे पालते हैं कितनी तकलीफ उठाती है उसको भी भूल गया माया प्यारी कर ली माल को तो भूलना ही था ऐसे माल को भूल गया इसी तरह फकीर आकर प्रेम दे दे के समझाते हैं किसी को खड़ा कर निशानी किसी को सोना किसी को चांदी को मिठाई दे दे के वो भी सारी बातें भूल गए सोचो वो भी प्रेम भूल गया सब भजन किया ही ना उनकी बात मानी ना हाँ कैसे डोला मिठाई खड़ा खड़ा के फिर भी सब बस हाँ 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 चले बुखार तब पे चढ़ना है हाँ जी सबको बुखार चढ़ा हुआ है किसी को कुछ किसी को कुछ सब बीमार है सारे रोगी हैं हाँ जी वाणी में आता है वर्मा रोगी विष्णु रोगी सब सारे रोगी हैं जब तक घर में कौन से रोगी लोग हैं सेहत क्या होगी जब सेहत होगी फिर तो घर पहुंच जाएंगे बाकी क्या इधर तो रोगी लोग हैं हाँ शाहूकार बन जाता है ये खजाना जाता नहीं इसका जमा है ये कौटी कौटी करता थोड़ा थोड़ा करता ये भी जमा हो जाता है ये जाता नहीं ये जो नाम का सिमरन है जो नाम को प्रकट करने का ढंग है ये जाती नहीं इसके साथ ही रहेगा ये नाम बोले तो देख हो गई ना कितने देख दें नाम का ये नाम धन जाता नहीं साथ जाता है हाँ जाता नहीं इसके साथ
साथ रहता है, जितना जमा जितना करेगा उतना जमा है करते थे। कोयलों की बॉडी बड़ी बड़ी है, इसमें से एक कोयला निकालते जाओ पेड़ डालते जाओ, कोयला निकालते जाओ पेड़ डालते जाओ, कोयले निकल जाएंगे ईंधन दुकाओं से भर जाएंगे। इस तरह सिमर कर करके तुम्हें ख्याल निकालते जाओ, एक दिन सिमर से भर जाएगा, मालिक आ जाएगा, मालिक से भर जाएगी। हाँ